पार्ट 3 डिजी भारतम डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो जाते हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है कि आजकल की दुनिया जो होगी वो डिजिटल हो गई है। हर काम मशीनों से होने लग गया है और लाइफ इतनी इजी हो गई है कि कुछ भी असंभव सा नहीं है। जो लोग दूर हैं वो भी पास आ गए हैं। तो हम पढ़ते हैं, इस पाठ में शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत के बारे में चर्चा कर रहा है, इसके बारे में सुन रहा है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। तो इस पद का क्या भाव है ऐसा हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन मतलब समय परिवर्तन के साथ, तो समय परिवर्तन के साथ, सह मतलब साथ, तो समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। मतलब पुराने समय में, प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान था, लेन देन था, वो क्या था? मौखिक रूप में होता था। अर्थात विद्या च श्रुति परम्परया ग्रहाते स्म। मतलब विद्या जो है वो सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोज पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और उसके बाद और कुछ समय पश्चात ताल पत्रों पर और भोज पत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारे सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। और परिवर्तन के साथ ही कागज पर लेखनी से, पेन पेंसिल से मन के भावों को लिखने का आविष्कार सभी उसका उपयोग करने लगे, इसका आविष्कार हो गया। आगे देखते हैं तो क्या है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा सुनी जा रही है और डिजिटल इंडिया का जो इसमें इस पद में क्या भाव है इसको जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। और प्राचीन काल में क्या होता था, विद्या जो थी वो मौखिक, मतलब मौखिक रूप से विद्या का आदान प्रदान होता था, मतलब सुनने की परंपरा थी, श्रुति परंपरा के माध्यम से विद्या ग्रहण की जाती थी। और कुछ समय बाद फिर ताल पत्रों और भोज पत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। और समय बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों और विचारों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया। आगे देखते हैं सेकंड। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपराइटर के आविष्कार से ही तो लिखी गई सामग्री जो थी वो बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरापि अग्रे गता। वैज्ञानिक खोजों की जो यात्रा थी वो आगे चलती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और अब जो सारे काम थे वो संगणक नाम के, मतलब कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधित होती गई और संपादित होती गई। तो अब क्या होता है, सब काम कंप्यूटर से होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन
पठ्यन्ते लिखियन्ते च। तो समाचार पत्र हो गए, किताबें हो गई, ये सब क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते इसमें। और जो कागज का उद्योग था उसमें वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष जो है वो काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग से वृक्षों के कटने की जो संख्या है वो बहुत कम हो जाएगी, वृक्ष बहुत कम मात्रा में कटेंगे, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और बहुत सारे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत सारे क्या है, महान उपकार होंगे। तो क्या है कि टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी, वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। आज जो सारे काम है वो कंप्यूटर नाम के यंत्र से संपादित किए जाते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही लिखी और पढ़ी जाती हैं। कागज उद्योग में वृक्षों का बहुत ज़्यादा उपयोग होने के कारण क्या थे, वृक्ष काटे जाते थे इसीलिए। परंतु कंप्यूटर का जब अधिक से अधिक उपयोग होने लगा तो ये विश्वास जगा कि हो सकता है कि अब कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ में आ रहा है तो वृक्षों का कटना कम हो जाएगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, मतलब कंप्यूटर को पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक महान उपकार माना है।